अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की। योगी के पुलिस की कलई उस वक्त खुल गई जब एसपी ने पुलिस लाइन में एक दिवसीय परीक्षण कराया। यूपी के महाराजगंज जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर एसपी ने एक दिवसीय परीक्षण का आयोजन किया और अपने थानेदारों को वेपन चलाने का परीक्षण कराया तो कई थानेदार एसपी के परीक्षण में फेल हो गए। एसपी ने सबसे पहले महिला एसओ को मौका दिया। जब वो बुलेट की पैकेट को फाड़ने में असफल रही उसके बाद भारत नेपाल के बरगदवा बॉर्डर के थाने की जिम्मेदारी संभाल रहे बरगदवा एसओ संजय दुबे को एसपी ने आदेश दिया। पहली बार में जब एसओ ने ट्रिगर दबाने में असफल रहे तो एसपी ने धीरे से कहा कि तुमसे न हो पाएगा। उसके बाद बॉर्डर के ही कोल्हुई थाने के थानेदार राम सराय चौहान को पिस्टल खोलने के लिए एसपी ने कहा तो थानेदार सिकाते तक गए, लेकिन कोल्हू एसओ ने पिस्टल नहीं खोली। फिर फरेदा थानेदार गिरजेज उपाध्याय से कहा तो वो खोलने में सफल रहे। टापू पर बसे सोगी बरवा थाने पर तैनात एसओ सुनील वर्मा से इंटीग्रेटर लाइट को जलाने के लिए कहा तो सभी साथी पुलिस वाले सिकलाने में जुट गए। खैर, जिसके साथ इतने साथियों का साथ हो भला कैसे न सफल हो। देखिए महाराजगंज टाइम्स के लिए अनुज शुक्ला की ब्यूरो रिपोर्ट। दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये जितने एंटी राइट इक्विपमेंट हैं, पंप एक्शन गन है, टीयर गैस गन है, टीयर गैस शेल्स हैं और इसके अलावा बाकी वेपन्स हैं, इनका एक प्रशिक्षण टाइप का रखा था। इसमें कुछ लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, उनको जानकारी थी, जिनको जानकारी नहीं थी उनको जानकारी दी गई है और इस प्रकार के प्रशिक्षण बड़े उपयोगी हम लोगों के लिए होते हैं और ये समय समय पर हम लोग आयोजित करते रहते हैं।